नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर थाना फेस थर्ड पुलिस के ऊपर बहलोलपुर निवासी लोगों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बहलोलपुर निवासी लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जमीन विवाद में पुलिस ने एक पक्ष से 1 लाख रुपए लेकर के पूरी मदद का आश्वासन दिया था, और उसके बाद पुलिस ने 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। 53,000 रुपये लेकर एक गाड़ी को छोड़ा, वहीं दूसरी गाड़ी को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपये लेने का पुलिस पर आरोप निवासियों के द्वारा लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आप वीडियो मत बनाना, आप रख दो मोबाइल को। आप सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर यादव है। नंदकिशोर जी, क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम मैं अपने प्लॉट पर खड़ा था, साइड में कुछ विवाद हो रहा था। मैं अपने प्लॉट पर गाड़ी लेके खड़ा था, तो वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और बेवजह ही मेरी गाड़ी को पुलिस उठा कर ले गई। हमारे साथ हमारे एक कमरे में हमारा किराएदार जो राइफल लेकर आ रहा था, वो भी हम हमारे साथ गाड़ी में बैठे, उसने सोचा हम घर चले जाएं, तो उसको भी जबरन पुलिस उठा के थाने ले गई और फिर हमारी गाड़ी को रात तक बंद रखा और उसका चलान सीज को सीज कर दिया। और फिर हमसे वो गाड़ी फिर पैसे लेकर जब रात को कम से कम 9 बजे करीब हमारी गाड़ी छोड़ी। आगे क्या हुआ आपके साथ? और हमसे सीज के नाम पर हमसे 50,000 रुपये लेकर हमारी गाड़ी रात को ही छोड़ दी और अभी तक हमारी राइफल नहीं छोड़ी। गाड़ी आपके किराएदार की राइफल नहीं दी है? नहीं। ठीक है, आप अपने प्लॉट पे खड़े हुए थे, आपके साथ पुलिस ने इस तरीके से किया, आपने किसी अधिकारी को शिकायत की इस संबंध में? जी नहीं। क्यों? पुलिस के डर से जी, हमको बस हम मार पिटाई के डर से, और क्या हमसे बदतमीजी से बात कर रहे थे, हमसे जबरन 50,000 रुपये ले लिए और अभी तक हमारी राइफल नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि यादव है। रवि, क्या मामला है? सर मैं और मेरे दादाजी, हमारे दोनों दादाजी हैं, हम शाम को थाना गए थे उस दिन, और थाने जाने के बाद में हमने जो है पुलिस के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा विवाद चल रहा है, जमीनी जो जमीन का विवाद है वो चल रहा है। तो हमने उनके सामने अपनी बात रखी कि सर हमें, क्योंकि हम अपना न्याय प्रणाली पर जो है अपना भरोसा रखते हैं, तो हमने उनको बताया कि सर हमारा ऐसे ऐसे काम मामला चल रहा है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और उन्होंने जो है फिर हमसे कुछ खर्च पानी की बात रखी। कितना पैसा लिया आपसे? सर उन्होंने उस रात हमसे 1 लाख रुपए लिया था। और किस बात का? हमें आश्वासन दिया था कि हमारे साथ कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी और हम आपके मतलब पूरी तरीके से आपके साथ हैं कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। जी हम तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, आपको मतलब आपके साथ कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी और आपके वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। उसके बावजूद भी वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा था और हमारे कुछ लोग वहाँ गए, उन्होंने मतलब ऐसे खेत पे घूमने जा रहे थे, वो वहाँ जा रहे थे, उसके बाद भी हमारे ही लोगों को पुलिस ने वहाँ पे पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र जी, क्या मामला है? मैं सर यहाँ से, हमारा जमीनी विवाद चल रहा है, मुझे वहाँ से किसी का फोन आया कि तुम्हारी जमीन पे अवैध निर्माण हो रहा है, जिसमें कि हमारा स्टे कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी है हमारे पास। हम मौके पे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस साथ में होते हुए भी वो निर्माण दूसरे विपक्ष पार्टी से निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ पे, और उस एवज में जो हम जो आसपास के और भी लोग थे, जो मैं गांव के जो और भी लोग थे, मतलब उनको भी वहाँ से पुलिस ने मतलब अपने हिरासत में ले लिया और हम मुझको भी, जिसमें कि वो ले जाकर थाने में हमारी 2 गाड़ियाँ थी, मतलब कि जो मतलब कि हमारे परिचित लोगों की थी, वो गाड़ियाँ भी उठा ली। उनके एवज में पुलिस वालों ने कुछ पैसे वसूली, मतलब कितने पैसे? सर ये 53,000 रुपये जी। 53,000 रुपये एक गाड़ी पर? एक गाड़ी पर जी, दोनों पे मिला के करीब करीब 1,05,000 रुपये के आसपास उन्होंने पैसा लिया। तब रात में गाड़ी छोड़ी है? जब हाँ जी, उन्होंने फिर 9 बजे रात को वो गाड़ियाँ छोड़ी। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।